हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में जो कोड फोर्सेस राउंड आज का था 894 डिव 3 राउंड था, उसका डी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन देखेंगे। ये वीडियो वापस से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है क्योंकि लास्ट वीडियो में पता नहीं कैसे माइक ऑन नहीं था। ओके, सो कमिंग टू दिस, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। हमें क्या, एक इंटीजर वैल्यू एन गिवन था एंड हमसे पूछा गया था मिनिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम बॉल्स हमें कितने लगेंगे, आइसक्रीम बॉल्स एन कॉन्स फॉर्म करने के लिए, एन कोन आइसक्रीम बनाने के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये था कि एक आइसक्रीम कोन बनाने के लिए ना, एक कोन वाली आइसक्रीम बनाने के लिए दो आइसक्रीम बॉल्स लगेंगे एंड जो आइसक्रीम बॉल्स होंगे वो इन दो टाइप के हो सकते हैं। लाइक दोनों, जो आपको दो आइसक्रीम बॉल्स यूज़ करने हैं, या तो दोनों सेम टाइप के हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप के। एंड इसमें क्या बोला गया था कि 1.2 की मदद से आप कोई आइसक्रीम कोन बना रहे हो और 2.1 की मदद से कोई आइसक्रीम कोन बना रहे हो, सो वो सेम आइसक्रीम कोन देगा। सो आपको एंड डिफरेंट कोन्स बनाने थे। ठीक है, अब आ जाते हैं एन की जो वैल्यू थी, एन की वैल्यू अप टू 10^18 हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन थी। सो फर्स्ट थिंग, जब भी आप प्रॉब्लम पढ़ते हो सो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, कंस्ट्रेंट्स की एनालिसिस करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे, जब भी एन इतना बड़ा हो तो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी आप फाइंड करोगे। इस केस में जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो सकता था वो लॉग ऑफ एन का। एंड यहाँ से आपको एक हिंट मिलना चाहिए था कि लॉग ऑफ एन में आप क्या कर सकते हो। एक होता है बाइनरी सर्च, नहीं तो इतने बड़े जब एन होते हैं तो बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, बिट्स के साथ आपको डील करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्व, फर्स्ट अब हम ऑब्जर्व करेंगे। हमें पता है कि लॉग ऑफ एन का हमें सोल्यूशन वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अलाउड है। ठीक है, लॉग ऑफ एन या ओ ऑफ वन ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं कैसे वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। एटलीस्ट मुझे दो आइसक्रीम क्या बॉल्स चाहिए होंगे एक आइसक्रीम कोन बनाने के लिए। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि हम क्या चाहते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम बॉल्स। ठीक है, सो आप चीज़ एक नोटिस करोगी कि डिस्टिंक्ट बॉल रहें तो ज़्यादा आप फॉर्म कर सकते हो। लाइक 1:1 एक हो गया हमारे पास कॉम्बिनेशन, आपके पास तीन आइसक्रीम बॉल्स है 1:1 और एक 1:3। ठीक है, ये दो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो आप 1:1 से कितने कोन्स बना सकते हो, एक कोन 1.1, एक कोन 1.2। क्या और कोई कोन पॉसिबल है? नहीं, और कोई कोन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप बोलोगे 2.1 तो 1.2 से जो बनेगा कोन और 2.1 से जो कोन बनेगा वो दोनों सेम रहने वाले हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं 1:3, इससे एक हो गया 1.2, एक हो गया 1.3, एक हो गया 2.3। सो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जब मेरे पास डिस्टिंक्ट कोन्स आइसक्रीम बॉल्स हैं तो मैं ज़्यादा आइसक्रीम कोन बना सकता हूँ। आई कैन मेक मोर आइसक्रीम कोन्स जब मेरे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। ठीक है, सो अब हम क्या फाइंड करेंगे, देखिए कैसे हमें प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। हमें चाहिए क्या, मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स, आइसक्रीम बॉल्स टू गेट एग्जैक्टली एन कोन्स, एग्जैक्टली एन कोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोन्स कितने लगेंगे, डिस्टिंक्ट आइसक्रीम बॉल्स कितने लगेंगे इन लॉग ऑफ एन। द आंसर इज यस। यहां से आपको हिंट मिलना चाहिए बाइनरी सर्च के लिए। एक और चीज आप कैसे चेक कर सकते हैं कि बाइनरी सर्च आप कहीं लगा सकते हैं कि नहीं, यहां पे देखिए बाइनरी सर्च के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं, एंडिंग पॉइंट्स, स्टार्ट और एंड और मिड पॉइंट। अब एक चीज़ जो ज़रूरी होती है बाइनरी सर्च, आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ आप प्रिडिक्ट कर सकें कि आपके मूवमेंट से क्या चेंज आ रहा है। अगर मैं मिड के राइट साइड जाता हूँ, मतलब वैल्यूज़ को इंक्रीज करता हूँ, नंबर ऑफ आइसक्रीम बॉल्स को इंक्रीज करता हूँ, सो नंबर ऑफ कोन्स भी इंक्रीज होंगे।
अगर मैं नंबर ऑफ बॉल्स को डिक्रीज करता हूँ तो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स भी डिक्रीज होंगे। अब यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व आपको करना था, एक फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, जैसे तीन आइसक्रीम बॉल्स हैं तो मैं यहाँ पे तीन आइसक्रीम कोन्स फॉर्म कर सकता हूँ ये वाले यूज़ करके। अगर मेरे पास चार हैं तो मैं फोर, एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, सो एक वन के साथ, एक टू के साथ, एक थ्री के साथ हम एक्स्ट्रा फॉर्म कर पाएंगे, सो टोटल सिक्स हम फॉर्म कर पाएंगे। एक वन टू, वन थ्री तो रहेगा ही, एक वन फोर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। सिमिलरली एक कॉम्बिनेशन हो गया टू थ्री का तो रहेगा ही, टू फोर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और एक थ्री फोर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। सो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको डिराइव होगा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बॉल्स अगर एन है, आइसक्रीम बॉल्स, तो आप एन इंटू एन प्लस एन माइनस वन बाई टू कोन्स फॉर्म कर सकते हैं आइसक्रीम के। ठीक है, ये फॉर्मूला एक आपको मिल गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि इस किसी भी मिड वैल्यू के लिए कितने कोन्स आप फॉर्म कर पाएंगे। और आपने ये तो चेक कर लिया है कि अगर मैं बढ़ाता हूँ नंबर ऑफ आइसक्रीम बॉल्स तो नंबर ऑफ कोन्स जो फॉर्म हो पाएंगे वो भी बढ़ रहे हैं, घटाता हूँ तो घट रहे हैं। ये आप यहाँ पे आउटपुट प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं बेस्ड ऑन मूवमेंट, आपके मूवमेंट के बेसिस पे आप अपने आउटपुट को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। एंड वो हमेशा ट्रू रहेगा कि मिड के अगर राइट जाएंगे, इंक्रीज करेंगे वैल्यू, तो हमेशा नंबर ऑफ कोन्स इंक्रीज होंगे, और लेफ्ट साइड जाएंगे आप वैल्यू घटाएंगे तो हमेशा नंबर ऑफ कोन्स डिक्रीज करेंगे, ये हमेशा ट्रू रहेगा। तो इसीलिए आप बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइसक्रीम बॉल्स कितने होने वाले हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, 179 आप लोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बॉल्स जो आपको चाहिए एटलीस्ट इतने कोन्स फॉर्म करने के लिए, तो आपको वो वैल्यू 20 आएगी। क्यों, 20 डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं तो आप कितने फॉर्म कर सकते हैं कोन्स, 20 इंटू 20 माइनस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू विच इज़ 20 इंटू 19 बाई टू 190। ठीक है, 19 होंगे तब आप कितने फॉर्म कर सकते हैं, तब आप फॉर्म कर सकते हैं 19 इंटू 18 बाई टू 171। सो हम बाइनरी सर्च की मदद से क्या फाइंड करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बॉल्स जिनकी मदद से हम एट लीस्ट एन कोन्स को फॉर्म कर पाएं। नॉट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वाले पे हम अभी कवर करेंगे। ठीक है, सो आप बाइनरी सर्च की मदद से एक वैल्यू आपने एक्स फाइंड कर लिया जो है मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बॉल्स जो एटलीस्ट इतना एन नंबर ऑफ कोन्स देगी। ठीक है, आपका लूप खत्म हो गया, लॉग ऑफ एन में आपने ये एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी। अब आप चेक करोगे इस एक्स से आप कितना फॉर्म कर सकते हो, वो होगा एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई टू। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कोन्स जो आप फॉर्म कर सकते हो वो एन के इक्वल है, इसका मतलब आंसर तो एक्स है इस केस में, मिनिमम इतने डिस्टिंक्ट इतने बॉल्स आपको लगने वाले हैं। ठीक है, अगर ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन एन होने वाला है, जैसे ये वाला केस ले लो, 179 के केस में एक्स हमारा 20 आएगा एंड नंबर ऑफ बॉल्स जो हम फॉर्म कर सकते हैं वो 190 हो जाएगा। इस केस में क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स जो कोन्स हम फॉर्म कर सकते हैं वो ग्रेटर देन एन है। इसका ये मतलब है कि मैं 20 डिस्टिंक्ट बॉल्स नहीं रख सकता हूँ, मुझे 19 रखनी पड़ेगी। ठीक है, 19। ठीक है, तो अब मैं बॉल्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बॉल्स घटा दूंगा, वो 90 हो जाएंगी, सो x की वैल्यू 19 हो गई। अब 19 बॉल्स अगर डिस्टिंक्ट है मेरे पास तो मैं 171 जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कितना, 179। ठीक है, अब यहाँ बात समझो, 1 2 3 है, इसकी मदद से मैं 1.2 1.3 और 2.3 फॉर्म कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे हमें ये चीज़ नोटिस करना था कि हम डुप्लीकेट का यूज़ कर सकते हैं, एक डुप्लीकेट हम हर एक जो हमारे पास फ्लेवर मौजूद है आइसक्रीम बॉल, उस फ्लेवर का एक डुप्लीकेट हम यूज़ कर सकते हैं एक एडिशनल पेयर फॉर्म करने के लिए। आपको स्टार्टिंग में बोला गया था कि आप दो वैरायटी के फॉर्म कर सकते हैं पेयर्स,
आइसक्रीम बॉल्स के पेयर्स फॉर्म कर सकते हैं। एक ए कॉमा ए है मतलब दोनों सेम हो, सेम फ्लेवर आपने चूज़ किया आइसक्रीम बॉल्स के एंड उससे एक आइसक्रीम कोन फॉर्म कर दिया, या तो डिफरेंट हो। सो ये दो थे। सो हमने जो डिस्टिंक्ट बॉल्स जब हम कंसिडर कर रहे थे उसमें हम ए कॉमा बी पेयर सारे कंसिडर कर रहे थे। अभी हम डुप्लीकेट्स की मदद से क्या कर सकते हैं, ए कॉमा ए पेयर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो 1 2 3 हो गया। अगर मैं एडिशनल एक वन और लेता हूँ, सो ये वाले पेयर्स तो फॉर्म हो ही रहे हैं 1 2 1 3 2 3। अब एक और पेयर मैं फॉर्म कर पाऊँगा 1 कॉमा 1, ठीक है। और एक अगर 2 मैंने ले लिया तो 2 कॉमा 2। अगर एक और बात, अगर मेरे पास 2 से ज़्यादा 1 होंगे तो वो यूज़लेस हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 1 कॉमा 1 ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। इस 1 से और कोई पेयर मैं फॉर्म ही नहीं कर चुका हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने किसी और 1 से फॉर्म कर लिया होगा। सो 2 से ज़्यादा 1s यूज़लेस हो जाएंगे। तो हम ये जो चीज़ है ये हम डुप्लीकेट से अचीव करेंगे, जो रिमेनिंग चीज़ें बच जाएंगी ना, रिमेनिंग कॉन्स जो होंगे वो डुप्लीकेट्स की मदद से जनरेट करेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे पास यूनिक बॉल्स हैं उनका हम डुप्लीकेट फॉर्म करेंगे। देखो कैसे, 19 बॉल्स थी, हमें 179 जनरेट करना है। सो हमने देखा 20 मिनिमम लगेंगी, लेकिन 20 से हम 190 जनरेट कर पा रहे थे। इसका मतलब है 19 डिस्टिंक्ट बॉल्स हमारे पास होने वाले हैं जो भी कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। 19 की मदद से हम कितना जनरेट कर पा रहे थे, 171, ठीक है। चाहिए 179। 179 माइनस 171 कितना हो गया, 8। 8 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब हमें 8 डुप्लीकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। सो टोटल जो बॉल्स लगेंगे वो 19 यूनिक्स एंड प्लस 8 जो ये होंगे ये डुप्लीकेट्स होंगे। इन जो 19 वैल्यूज़ में से किन्हीं 8 वैल्यूज़ को हम डुप्लीकेट करेंगे तो टोटल हो जाएगा 27। बात समझे आप? हम क्या करेंगे, फिर से रिवाइज करते हैं। पहले हम मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बॉल्स कितने लगेंगे, एक्स बोल देते हैं, ताकि हम एटलीस्ट एन कॉन्स को जनरेट कर पाएँ। उसके बाद क्या होगा, हम चेक करेंगे इस एक्स से जितने नंबर ऑफ कॉन्स बन पा रहे हैं वो अगर एक्स के इक्वल है, सॉरी एन के इक्वल है, इसका मतलब एक्स हमारा आंसर हो गया, मिनिमम इतने बॉल्स चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन एन है इसका मतलब हमें एक्स से कम डिस्टिंक्ट बॉल्स चाहिए। सो जस्ट कम करेंगे हम एक्स माइनस वन, सो इतने डिस्टिंक्ट बॉल्स चाहिए। अब हम उसकी मदद से जितने भी सपोज एनओ टू इतना जनरेट कर पा रहे हैं, एंड ऑब्वियसली ये क्या होने वाला है, ये लेस देन एन होने वाला है, एन से छोटा होने वाला है। सो इतना हमें डुप्लीकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा, इसको वाई बोल देते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स उस केस में कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस वन प्लस वाई, ठीक है। दैट्स ऑल। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा, मैं कोड ऐड कर दूंगा। थैंक यू।